13 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत विभाग के निविदा संविदा कर्मचारी संघ द्वारा अधिशाषी अभियंता कार्यालय के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, आज जनपद के विद्युत विभाग के निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने बाबूलाल चौराहा स्थित अधिशाषी अभियंता कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी 15 सूत्रीय मांगों को रखा और बताया कि किस तरह से विभाग के अधिकारी हम लोगों का शोषण करने में लगे हुए। उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति कार्य के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल हो जाता है तो उनके इंश्योरेंस का पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन उनको नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के ऐप में भी कटौती की जाती है। इसके हम लोगों को सुरक्षा के नाम पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसे ही हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा तमाम अन्य समस्याएं हैं जिनको लेकर आज हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रण बहादुर सिंह यादव, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ प्रांतीय संगठन मंत्री। ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वजह है, क्या कारण है इसका, क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने बिजली विभाग में कार्यरत बांदा सर्किल के अंतर्गत आउटसोर्स जितने कर्मचारी हैं, ना तो उनको समय से वेतन का भुगतान दिया जा रहा है और बिना सुरक्षा उपकरण दिए विश्व का सबसे घातक कार्य लिया जा रहा है। अब विद्युत स्पर्शाघात में जो मरने से बच गए तो इलाज के अभाव में मर रहे हैं, और ईएसआई के मत से हमारे बीमा का पैसा काटने के बाद भी हमें कोई क्लेम नहीं किया जा रहा है और ईपीएफ भी दबाया जा रहा है, और अनुबंध के विपरीत हमसे 8 घंटे की बजाय 18-18 घंटे कार्य लिए जा रहे हैं। यदि हम अपने हक और हकूक की बात करते हैं तो ये संविदा कर्मचारी हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं और मोटी रकम वसूल करके नए नए संविदा कर्मचारी रख रहे हैं, और जो संविदा कर्मचारी आकर हक और हकूक की आगे बात रखता है तो उनको तमाम मिथ्या आरोप लगाकर या तो स्थानांतरण किया जा रहा है या तो उनको सेवा से बाहर किया जा रहा है। हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम ये धरना प्रदर्शन चलाते रहेंगे। इस संबंध में हमने श्रीमान एक्सियन साहब, श्रीमान अधीक्षण अभियंता और श्रीमान मुख्य अभियंता सहित जिलाधिकारी बांदा और कमिश्नर साहब को भी अवगत करा दिया है। इसके पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था, तो क्या अभी तक अधिकारियों ने संज्ञान? ये अधिकारियों के हट धर्मता है। आज यदि हमने जो पूर्व में नोटिस और ज्ञापन दिया था, यदि आज उस ज्ञापन पर हम लोगों को बुला करके हमारी समस्याओं का निस्तारण करा दिया जाता तो आज धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। सुबह से हम 80-80 किलोमीटर दूर से बैठे हुए लोग हैं और अधिकारी मौके से यहाँ से जा चुके हैं, नदारद हो चुके हैं, वार्ता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। करीब कितने लोग संविदा कर्मचारी जिनकी दिक्कत है? पूरे जिले के हमने हर पावर हाउस से एक एक दो दो प्रतिनिधि बुलाने का काम किया। यदि हमारी न्यायोचित और पूर्व घोषित नोटिस के तहत यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम पूरे जिले के संविदा कर्मचारी श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दे करके और चीफ ऑफिस में बैठने का काम करेंगे।